फ्रेंड्स, तो एक सर्कल का ये क्वेश्चन है, मतलब ये थ्योरम या नाइन्थ में गिवन है कि अगर ये ए बी और सी डी दोनों कॉर्ड इक्वल है तो हमें प्रूफ करना है कि जो ये सेंटर पे एंगल सब्सटेंड करेंगे वो दोनों इक्वल होंगे। तो बेसिकली हमें प्रूफ करना है, टू प्रूफ एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ बी। गिवन क्या है हमें, बस इतना गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, मतलब ये दोनों कॉर्ड्स क्या है, इक्वल है। इसका प्रूफ देखते हैं, प्रूफ भी काफी इजी है। अब कंस्ट्रक्शन में मैंने क्या कर दिया, ओ ए और ओ बी को क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, और ओ सी और ओ डी को भी ज्वाइन कर दिया। अब इसमें देखेंगे कि इन ट्रायंगल सी ओ डी एंड ट्रायंगल ए ओ बी, हमें क्या गिवन था, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ओ ए इक्वल टू ओ सी बोल सकते हैं क्योंकि रेडियस है, रेडियाई रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। सेम है, ओ ए अगर ओ सी के इक्वल है तो हमारा ओ ए ओ बी किसके इक्वल हो जाएगा, ओ डी के। इसका भी रीजन क्या होगा, सेम रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। इसका मतलब क्या होगा, ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ सी डी बाय एस 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 क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रु, मतलब एस 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 क्राइटेरिया पड़ेगा, साइड साइड साइड। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाई सी पी सी डी। सी पी सी डी क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल। तो इसका काफी इजी प्रूफ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।